So students, again we are starting with your, you know, second semester. हम इसको semester कह देते हैं. First semester अभी हुआ है, second semester शुरू करना है. Maximum part physics. Do you know what is physics? One is science में we have three branches. Which three branches are there? That is chemistry. Everybody, settle down. आराम से छोड़ दो सब कुछ, हमें कुछ नहीं चाहिए अभी, सिर्फ आपकी अटेंशन चाहिए, कुछ नहीं. लिसन टू मी केयरफुली, आईज एंड ईयर्स टू द स्क्रीन. गुड मॉर्निंग सिक्सथी, एम आई ऑडिबल सिक्सथी? गुड मॉर्निंग. ओके, सो वी विल फोकस, एवरीबडी लीव एवरीथिंग, फोकस ऑन द स्क्रीन, आईज एंड ईयर्स ऑन द स्क्रीन. You know our brain has large storage, so store the things in the brain rather than writing. जब हम कहेंगे तब लिखना, अभी बिल्कुल भी नहीं. Is it okay? So science has three branches, main three. वैसे तो science बहुत vast है, बहुत branches है, but mainly three branches. Which three branches? Biology, chemistry, physics. Although all the three are interrelated with each other. बिल्कुल भी नहीं कॉपीज की तरफ, नहीं बैग्स की तरफ, नहीं पानी की बॉटल्स छोड़ दो, पेन छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी अटेंशन बोर्ड. बायोलॉजी, वी आर ऑल बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, यू पीपल, आई, इंसेक्ट्स, ट्री, ऑल दीज आर बायो. बायो मीन्स लिविंग. The branch of science which deals with the living organisms is called as biology. So we have studied, what we have studied? We have studied nutrition. That comes under biology. We have studied nutrition in animals. That comes under biology. Then comes transportation in organisms. You will study later on. Transportation, how the substances move in our body. That is biology. Respiration, how our body produces energy. That is biology. What is chemistry then? Chemistry are various reactions in our body as well as in nature. तो जो हम कहते हैं कि भी soil है, soil में हम fertilizers डाल दें, हम lime डाल दें, हम उसका texture change कर दें, ये सब क्या है? केमिकल रिएक्शंस है. बर्निंग हो रही है वुड की, किसी जंगल में आग लग रही है, खाना बन रहा है, व्हाट इज दैट? दैट आर ऑल केमिकल चेंजेस. यहाँ पे रिएक्शंस हो रहे हैं एसिड बेसिस, यू हैव स्टडीड एसिड बेसिस, रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेसिस, व्हाट इज दैट? एवरीबडी स्पीक आउट, व्हाट इज दैट? जो रिएक्शंस हो रही है क्या है वो? फिजिक्स, बायोलॉजी की केमिस्ट्री, chemistry, right? And chemical reactions or chemistry, it occurs inside biological organisms also, as we have done in acid basis, कि acid हमारे stomach में produce हो रहा है, उसको neutralize करने के लिए क्या होता है? So that are all reactions. Biology can never work without chemistry because in our body various reactions are occurring. ठीक है जी. और उसके बाद जो अब हमने करना है, व्हाट इज दैट? दैट इज फिजिक्स. वेरियस फिनोमिना इन द नेचर, जितनी भी प्रोसेसेस नेचर में है, लाइट आ रही है, लाइट क्या प्रोड्यूस कर रही है, मोशन हो रही है, कैसे मोशन हो रही है, डिफरेंट चीजों की मूवमेंट हो रही है, तो वो क्या है? ऑल आर फिजिक्स, फिजिकल फिनोमिना. साउंड प्रोड्यूस हो रही है, हमने सुनना है, दैट इज अ डिफरेंट इशू, बट साउंड तो हर जगह है, साउंड की वेव्स अलग जगह आ रही है, लाइट आ रही है हर जगह, कैसे आ रही है, ठीक है, डिफरेंट मशीन्स काम कर रही हैं, कैसे कर रही है, ऑल दोज आर फिजिक्स. इज इट ओके? तो अगर हम अब मोशन की बात करें, मेजरमेंट्स की बात करेंगे, ऑल दोज आर, you know, phenomena of physics. Is it okay? Biology deals with living organisms. Chemistry deals with chemical reactions.
वेयर एज फिजिक्स डील विथ वेरियस नेचुरल फिनोमिना. इज इट ओके? तो मोशन, मेजरमेंट, ये किस में आ जाएगी? फिजिक्स में आ जाएगी. इज इट ओके और नॉट? नाउ आई विल कॉल सम स्टूडेंट्स, ठीक है, और अपने अपने जो है, अपने जिसको मैं बुलाऊंगी वो बच्चा आएगा और मुझे आंसर करेगा. ठीक है, हम जनरल अभी हम बात करेंगे, राइट? सो द स्टूडेंट इज, वी कैन से मुस्कान, 6th A, मुस्कान इज देयर. आ जा बेटा, यू नो योर स्कूल जहां पर भी है, मेन बलाचौर में है, वी कैन से दैट. ठीक है, ठीक है, बलाचौर में है. और चंडीगढ़, हैव यू एवर विजिटेड चंडीगढ़? मुस्कान, यस और नो? चलिए कोई प्रॉब्लम, ठीक है. तो मुस्कान, लेट अस प्रिज्यूम द डिस्टेंस बिटवीन चंडीगढ़ एंड बलाचौर इज 125. टेल मी, इज इट सेंटीमीटर, इज इट मीटर, इज इट किलोमीटर की मिलीमीटर? क्या हम डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे बलाचौर और चंडीगढ़ के बीच में? कौन सा यूनिट यूज कर सकते हैं? नोबडी एल्स, ओनली मुस्कान विल टेल. जोर से बोलना है, माइक पास में लेके और जोर से बोलो. इज इट मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर की किलोमीटर? बताइए कौन सी है. 1, 2, 3, 4. इट इज किलोमीटर, यस और नो? यस, इट इज किलोमीटर. ठीक है, बैठो हाँ बैठो, गो टू योर सीट. देन वी कम टू, डू यू हैव पेंसिल बॉक्सेस? है ना, जरा निकालो, एक बेंच पे एक निकालो. एंड इफ यू हैव स्केल, कंपेयर इट विद स्केल. सिक्स बी मंजोत, सिक्स बी मंजोत, कम फॉरवर्ड. अपना पेंसिल बॉक्स लेकर आओ, किसी का ले आओ, अगर अपना नहीं है किसी का ले आओ, और स्केल भी लेके आना अगर है तो. स्केल है आपके पास बेटा? थोड़ा सा ऊपर करो अपना पेंसिल बॉक्स, ये नीचे रखो, अपना पेंसिल बॉक्स ऊपर करो, ये माइक नीचे रख दो, माइक नीचे रख दो, एक नीचे रखो. और इसकी बेटा विड्थ है, विड्थ मेजर करो. विड्थ मीन जो छोटे वाला पार्ट है, एक तो बड़े वाला लेंथ है ना, दिस इज लेंथ, दिस इज विड्थ, राइट? ये वाली मेजर करो स्केल से, देखो कितनी है. मेजर, और फिर माइक उठा के मुझे आंसर बताओ कि क्या है, कितनी विड्थ है इसकी? मैम 9 आखिर भी बेटा, 9 क्या है? किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर क्या है? एम किलोमीटर किलोमीटर है. स्केल देखो, स्केल पे क्या लिखा हुआ है, स्केल पे देखो. एम सेंटीमीटर सेंटीमीटर, अभी मुस्कान ने हमें बताया कि किलोमीटर हमने क्या मेजर किया, चंडीगढ़ से बलाचौर का डिस्टेंस, वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, इजंट इट? मैम यस एंड इन कंपैरिजन टू दैट डिस्टेंस, ये तो इतना आसान है, यस और नो? यस. सो इट इज मेजर्ड इन विच यूनिट अगेन? मैम सेंटीमीटर हाँ, इट इज सेंटीमीटर. ओके, गो टू योर सीट, वेरी गुड. 9th C, सॉरी 9th, कह रही 6th C. 6th C में हर गोपाल इज देयर? 6C, हर गोपाल कम. इफ यू वॉन्ट टू मेजर द साइज ऑफ द ग्रेन, ग्रेन आपने गेहूं का दाना, चावल का दाना देखा है बेटा? आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही है, बोलो जरा दोबारा से बोलो. हाँ देखा देखा, ठीक है, छोटा सा होता है. है यस लेट अस से इट इज, इट्स डायमेंशन इज 2, 2 है, बट क्या होगा? इज इट मिलीमीटर, सेंटीमीटर कि किलोमीटर?
मुझे इधर बताओ हरगोपाल, मुझे इधर बताओ बेटा कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? किलोमीटर, किलोमीटर। और सबसे छोटा कौन सा है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। नहीं बेटा मिलीमीटर। इधर ध्यान से, इधर मिलीमीटर छोटा। मिलीमीटर आपने मूवी नहीं देखी, थ्री इडियट्स देखी है कि नहीं? नो, थ्री इडियट्स देखी नहीं? ओ सो बैड। आपके स्कूल में कहती हूँ टीचर्स प्लीज टेल द टीचर्स कि इनको थोड़ी सी थ्री इडियट्स मूवी दिखाएं, बिकॉज इट्स इंस्पायरिंग मूवी एज वेल एज वहां पे एक छोटा सा बच्चा, उसको बोलते हैं मिलीमीटर। मिलीमीटर क्योंकि सबसे छोटा साइज, जो इससे भी चलो छोटा होगा बट आपके लिए मिलीमीटर छोटा। उसके बाद ध्यान से सुनना है एवरीबडी हियर, सबसे छोटा यूनिट हमारे इसमें है मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मीटर, फिर किलोमीटर। जल्दी से बताओ, सीक्वेंस बताओ हरगोपाल। हाँ बोलो, किसी ने और नहीं, इवन टेल, सबसे पहले मिलीमीटर, देन सेंटीमीटर, फिर मीटर एंड देन लास्ट किलोमीटर। तो अब मुझे बताओ राइस ग्रेन का साइज टू क्या होगा? मैं आई एम टेलिंग टू, इज इट मिलीमीटर की सेंटीमीटर? मिलीमीटर। मिलीमीटर, वेरी गुड वेरी गुड। बैठो बैठो, गो टू योर सीट। ठीक है, सो स्मॉल यूनिट्स, स्मॉल साइजेस, ग्रेन्स, दीज आर मेजर्ड इन मिलीमीटर। पेंसिल बॉक्सेस है ना, टिफिन बॉक्सेस, दीज आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर। देन आप सूट लेने जाते हैं, शर्ट का पीस लेने जाते हैं, तो दुकान में वो एक लंबी सी आयरन की रॉड होती है। यस, सिक्स एफ में से गर्ल का हाथ खड़ा है, तो क्लॉथ किस यूनिट में मेजर किया जाता है? मैं कहती हूँ पांच दे दो, व्हाट डू यू मीन बाय फाइव? क्या है ये, फाइव सेंटीमीटर कि फाइव मिलीमीटर कि फाइव मीटर? यस इट इज फाइव मीटर। फाइव किलोमीटर तो बहुत दूर हो जाएगा है ना। 5 किलोमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन लेट अस से वन ऑफ योर हाउसेस एंड होम एंड स्कूल है ना, इतना हो सकता है 5 किलोमीटर, इतना तो कपड़ा नहीं हमें चाहिए। सो इट इज इन मीटर, राइट? तो वी हैव टोल्ड यू फोर यूनिट्स, एवरीबॉडी स्पीक विद मी। फर्स्ट इज मिलीमीटर, देन सेंटीमीटर, बोलना, ये नहीं सोचना कि पड़ोस वाला बोल लेगा। एवरीबॉडी स्पीक बिकॉज You have to speak for yourself, not for me, not for any other person. Again, the smallest unit is? Millimeter. Good, very good. So let's see. Yes. Now write in your copy. ये अब आपने लिखना है, जल्दी से. Quickly, I hope it is visible to you. किसी को नहीं नजर आया तो मुझे बताना, I will zoom it. Open your copy, write the question, give the units for measuring the following lengths. अगर हमें इस पेपर की, एक चार्ट पेपर मोटा होता है, उसकी थिकनेस देखनी है, तो हम किसमें मेजर कर सकते हैं? चलिए जल्दी से, और अपना 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 बहुत इंपॉर्टेंट। और ये अपनी फेयर कॉपी में लिखना है बेटा, इन्हीं में से ही अब क्वेश्चंस आने हैं। सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर ब्रेन।
सिक्स ए बेटा बातें नहीं, सिक्स ए में से आवाज आ रही है बेटा, आवाज नहीं। जल्दी जल्दी करना है क्विक। और ये फर्स्ट एंड सेकंड जो है ये मुझे सिक्स्थ एफ में से बताने हैं, युवराज एंड खुशदीप ने। वेयर इज युवराज, वेयर इज खुशदीप? रेज योर हैंड्स। हाँ आ गया, युवराज इज देयर कि खुशदीप है ये? बोलो सिक्स एफ। हाँ वाई कॉल करो। खुशदीप। खुशदीप, यस खुशदीप। टेल मी थिकनेस ऑफ चार्ट पेपर, मोटा चार्ट पेपर है थोड़ा सा, किस यूनिट में मेजर करोगे बेटा? मिलीमीटर, मैं दोबारा बता रही हूँ, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर की मीटर, कोई और नहीं बताएगा, लेट हिम टेल। अच्छा इन चारों में से प्लीज टेल मी, इन चारों में से सबसे छोटा यूनिट कौन सा है बेटा? टेल मी खुशदीप। मिलीमीटर और सेंटीमीटर। तो चार्ट पेपर हम किसमें मेजर करेंगे बेटा? आप स्केल से तो नहीं मेजर कर सकते जिसमें सेंटीमीटर है, या स्केल से मेजर करोगे तो किसमें आएगा? मिलीमीटर में, इजंट इट? ठीक है, यस सर, नो खुशदीप? यस। तो फर्स्ट इज मिलीमीटर। ठीक है बेटा, आप बैठो, ध्यान से आपने सुना है। यस, नेक्स्ट स्टूडेंट। यस, डायामीटर ऑफ द वायर, लेट मी शो यू। ये वायर है ना, इसका डायामीटर, डायामीटर आपको पता है ना, राउंड शेप का डायामीटर क्या होता है? यस, है ना। हाँ, किसमें मेजर करेंगे हम इसको? इसको हम मेजर करेंगे मैं मीटर से। नहीं, मीटर, मीटर तो देखो, मीटर एक मीटर से इतना तो है ही है ना, एक मीटर। यस, वायर तो बहुत छोटी है, इसमें मेजर किया जाएगा मैम सेंटीमीटर से। सेंटीमीटर या मिलीमीटर, क्योंकि वायर तो इससे पतली भी हो सकती है, या तो नो, इससे पतली होती है कि नहीं, यस और नो? यस। तो फिर भी हम क्या आएंगे, वायर जनरली मेजर्ड इन मिलीमीटर और सेंटीमीटर, जनरली मिलीमीटर। ठीक है, बैठो बेटा, नेक्स्ट आ जाता है बेटा सिक्स्थ ई। सिक्स्थ ई में से आ जाइए बेटा नवी, नवी एंड नानक। सिक्स्थ ई, नवी एंड नानक। यस, टेल मी। हाँ जी, लेंथ ऑफ ए बुक, आप बुक किसमें मेजर करोगे? इतनी बड़ी मतलब मीटर, इतना बड़ा मीटर में, सेंटीमीटर में, कि मिलीमीटर में? मैम मीटर। आपके पास बुक्स कितनी है, जरा बुक देखो, इनको कोई बुक दो बेटा। ये किसमें मेजर करोगे? मीटर इतना बड़ा है, वन मीटर इज दिस मच, सेंटीमीटर। इट इज इन सेंटीमीटर, राइट? इट इज इन सेंटीमीटर बेटा, ध्यान से देखो, स्केल देखो अपना, सेंटीमीटर में है, मीटर देखो ध्यान से, इधर देखना है नवी, इफ यू आर नवी, राइट? सो नवी बेटा, मीटर जब हम कपड़ा लेने जाते हैं तो वो मीटर से मेजर करते हैं, है ना? आपकी बुक तो हम स्केल से मेजर कर सकते हैं, यस और नो? यस। स्केल में क्या है? सेंटीमीटर्स है। और ध्यान से एवरीबॉडी क्लियर कि अगर ये सेंटीमीटर है, एक वन सेंटीमीटर, तो उसके अंदर मैंने गिने तो नहीं है, बट
मिलीमीटर जाती, 10 लाइंस होती, ठीक है। तो बहुत छोटा, तो मिलीमीटर, कोक, स्टीफन्स, ये वो जो हम स्केल से मेजर कर सकते हैं छोटे वाले से, वो है सेंटीमीटर। और जो हम बड़े बड़े कपड़ा लेने जाते हैं, जो बड़े बड़े आयरन की रॉड्स हैं, मीटर, और जो बड़े बड़े इंची टेप्स होते हैं, मेजरिंग टेप्स, जिससे हम रास्ता मेजर करते हैं, दैट इज किलोमीटर्स। ओके ठीक है, बैठो। एक और स्टूडेंट का मैंने नाम लिया था, हाँ जी, नेक्स्ट। क्या नाम बेटा आपका दोबारा से? नानक। मैम नानक यस, टेल मी डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज बेटा। किलोमीटर यस इट इज इन किलोमीटर बेटा, कोई और नहीं बोलेगा, है ना, सबने अपना अपना बोला। बैठो बेटा, ठीक है जी। देन कम टू सिक्स डी, और सिक्स डी में से आ जाइए बेटा, कृतिका एंड गुरलीन। सिक्स डी, कृतिका एंड गुरलीन, यस, वेरी गुड वेरी गुड। आ जाओ कृतिका, आ जाओ कृतिका, टेल मी द लेंथ ऑफ वॉल ऑफ द रूम, जो आपके रूम की दीवारें हैं, क्या ये किलोमीटर सड़कों, बड़ी बड़ी सड़कें हैं कि हम मीटर से इसको कर सकते हैं? सेंटीमीटर तो बहुत छोटा हो जाएगा, टेल मी। इट इज इन मीटर्स, इट इज इन मीटर्स, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट, यस, फ्रॉम सेम क्लास, नेक्स्ट स्टूडेंट, टेल मी लेंथ ऑफ द क्लोथ। आप मेजर करने जाते हो, किसमें लेते हो, कि हमें 10 किलोमीटर कपड़ा दे दो, कि 10 मीटर कपड़ा दे दो, कि 10 सेंटीमीटर कपड़ा दो, क्या बोलते हैं? स्केल दो पहले बेटा, स्केल लो, स्केल में देखो कि 10 सेंटीमीटर कितना है। ये स्केल है, ये देखो, ये 15 सेंटीमीटर है। क्या इससे आपका एक हैंकी भी बनेगा, हैंके चीफ भी बनेगा? क्या हम इतना कपड़ा लें? हाँ जोर से बोलो, जोर से। हाँ नो, इससे तो नहीं बनेगा, तो इससे बड़ा यूनिट क्या है? किलोमीटर भी नहीं, किलोमीटर में तो हमने क्या मेजर किया था बेटा, सड़कें नापी है किलोमीटर में, तो हमने हमने तो कपड़ा नापना है, कोई और नहीं बेटा, डोंट कंफ्यूज हर, उसको बोलने दो। हाँ इट इज इन मीटर्स, है ना। कपड़ा किसमें लेते हैं, हम क्या कहते हैं, आपकी शर्ट कितने में बनेगी, हम कहेंगे 2 मीटर्स में बन जाएगी, राइट। तो कपड़ा हम किसमें, कौन से यूनिट में लेते हैं एवरीबडी? मीटर बैठो बेटा, ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताया भी था, मीटर्स मीटर्स, हाइट ऑफ ए पर्सन, देखो जरा सोचो, हाइट ऑफ ए पर्सन किसमें मेजर किया जाएगा? मीटर मीटर्स। और यहां पे अब मैं पूछती हूँ, ऐसे नहीं बोलना, साइज ऑफ द ग्रेन, 6C में से हम देखते हैं, 6C सिमरनप्रीत, 6C सिमरन, हाँ जी बेटे जल्दी से, और कोई और नहीं बोलेगा, लेट सिमरन टेल, वेरी गुड सिमरन, टेल मी एक कनक का व्हीट ग्रेन किसमें मेजर किया जाएगा? मैं दो चॉइसेस आपको दे रही हूँ, मिलीमीटर के सेंटीमीटर, जोर से बोलो जोर से, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं आपको फिंगर दिखा रही हूँ, मिलीमीटर की सेंटीमीटर, 1 की 2, यू कैन टेल मी बाय, यू नो, इशारे से बताओ अपनी फिंगर से, 1 मिलीमीटर 2 सेंटीमीटर, क्या आएगा? इट इज 1 मिलीमीटर, वेरी गुड, इट इज मिलीमीटर, ठीक है। बैठो बेटा, तो एवरीबडी क्लियर, ठीक है, यस और नो? यस चलिए जी, तो ये आपको पता चला है कि हमारे पास द स्मॉलेस्ट यूनिट इन दीज इज मिलीमीटर। ऐसा नहीं कि मिलीमीटर से नीचे नहीं होता, होता है, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर,
बट फॉर योर लेवल दीज आर द फोर यूनिट्स एंड इन दीज यूनिट्स किलोमीटर इज द लार्जेस्ट यूनिट. मैम आई पार्ट रह गया कौन सा रह गया बेटा? मैम, आई पार्ट इसके नीचे भी था हमारा. गैस साइज ऑफ द ज्योमेट्री बॉक्स. यस टेल मी. यस 6E. हाँ जी बताइए 6E फर्स्ट स्टूडेंट. हाँ सेंटीमीटर. यस इट इज इन सेंटीमीटर. ज्योमेट्री बॉक्स, टिफन बॉक्स है ना, इवन द साइज ऑफ द लेंथ ऑफ द बॉटल इट इज इन सेंटीमीटर. मीटर्स में नहीं, मीटर्स में बहुत छोटा हो जाए ठीक है जनरली. चलिए जी नेक्स्ट हम आ जाते हैं. सो दीज आर द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. स्केल, इंची टेप, मेजरिंग टेप, राइट? दीज आर द, यू नो, लिखो जरा द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग लेंथ एंड डिस्टेंस. द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग लेंथ एंड डिस्टेंसेस. तो मेनली वी कैन से टू मेन इंस्ट्रूमेंट्स है, स्केल एंड मेजरिंग टेप. स्केल एंड मेजरिंग टेप ठीक है, दो ये मेन इंस्ट्रूमेंट्स. मैम प्लीज रिपीट द क्वेश्चन. व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग लेंथ, फॉर मेजरिंग लेंथ एंड डिस्टेंसेस. तो मेनली हमारे पास क्या है, स्केल एंड मेजरिंग टेप. ओके चले आगे. बोला करो यस और नो, फटाफट से आंसर दिया करो सो दैट वी शुड नो दैट एक्टिव स्टूडेंट्स आर सिटिंग हियर. यस चलिए ना, वी हैव हियर द स्केल एंड ए पेंसिल. बट जनरली अगर आप अपना अपना स्केल देखें तो स्केल स्टार्ट्स विद जीरो, यस और नो? यस. बट इफ द स्केल इज ब्रोकन कैन वी मेजर द लेंथ ऑफ द पेंसिल. तो सबने अपनी कॉपी में लिखना है फॉर मेजरिंग, राइट डाउन एवरीबडी. सबने फॉर मेजरिंग लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट. बाय स्केल यहां पे ये लिख लो. फॉर्मूला क्या है? फाइनल रीडिंग, चाहे वो जीरो से शुरू हो रहा है कहीं से शुरू हो रहा है, फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग. फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग इज द इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट.
कहाँ पे इनिशियल और फाइनल रीडिंग लेनी है? स्केल पे। नाउ एवरीबडी देखो जरा, जल्दी से करो कैलकुलेट और फिर मैं पूछूंगा कि हेयर लेंथ ऑफ द पेंसिल, राइट डाउन लेंथ ऑफ द पेंसिल, बताइए। 9 सेंटीमीटर। नहीं ऐसे ऐसे मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी किसी और से नहीं। लेंथ ऑफ पेंसिल आपने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे आपने पहला क्या लिखना है, फाइनल रीडिंग क्या है। आपने ये पूरी तरह करना है, ऐसे ऐसे नहीं, जबानी करना, ओरली नहीं। सेकंड इज इनिशियल रीडिंग, देन सब्ट्रैक्टेड एंड देन टेल मी, एंड ओनली दैट स्टूडेंट विल टेल मी हुज नेम आई विल स्पीक। डी गुरलीन, गुरलीन से हमने पहले पूछ लिया था कि नहीं, हो गया था गुरलीन। चलिए कोई बात नहीं, गुरलीन बताती है, कोई बात नहीं। टेल मी व्हाट इज द फाइनल रीडिंग, फर्स्ट टेल मी, माइक उठाओ और बताओ कि पेंसिल में फाइनल रीडिंग क्या है। इज इट 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, क्या है? कितना सेंटीमीटर है दोबारा से? बेटे सेंटीमीटर 9, 9 नहीं, फाइनल रीडिंग बताओ। फाइनल क्या है? इनिशियल। इनिशियल का मतलब जो पहला पॉइंट है, फाइनल का मतलब जो आखिरी पॉइंट है। फाइनल क्या है पॉइंट? कहाँ पे पेंसिल खत्म हो रही है बेटा? इधर खत्म हो रही है कि नहीं? क्या है ये? इलेवन 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे है 11 सेंटीमीटर। और इनिशियल, इनिशियल में स्टार्ट, इनिशियल का मतलब है स्टार्ट रीडिंग। इसको नहीं इनिशियल का मतलब पता है? राइट डाउन स्टार्ट रीडिंग क्या है। स्टार्ट रीडिंग टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, क्या है? इट इज 3 सेंटीमीटर। जब हमने 11 में से 3 माइनस किया तो क्या बना बेटा? फुल और नहीं, ओनली गुरलीन विल टेल मी। यस आउट कर लो, कोई बात नहीं। 11 में से 3 गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इट इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम देखें, लेट अस सी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सो इट इज 8 सेंटीमीटर। सो साइज ऑफ द पेंसिल कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। यस और नो? सबको समझ में आया? चलिए बैठिए। ठीक है, सो इट्स नॉट 9, इट्स 8 सेंटीमीटर। बैठ जाओ गुरली, वेरी गुड। ठीक है एवरीबॉडी, किसी को नहीं समझ में आया, लिखना है पहले कि हमने क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ द पेंसिल, देन राइट डाउन व्हाट इज द फाइनल रीडिंग। आई हैव टोल्ड यू इट इज 11 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। स्टार्ट रीडिंग क्या है? 3 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 11 माइनस 3 इज 8 सेंटीमीटर। एवरीबॉडी डन? क्वेश्चन आना ही ऐसे है, ऐसे में कोई रीडिंग आ सकती है, बट ये क्वेश्चन जरूर आना है 3 मार्क्स में। लिखो जरा, इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स क्वेश्चन।
ठीक है बेटा, चल नेक्स्ट इज। अब ये खुद करो, आपको दिख रहा है, पहले मैं आपको फोकस कर देती हूँ सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली। कैन यू सी इट? Yes. ओके, जल्दी से। करो जरा, आई एम जस्ट कमिंग। सिक्स बी, सिक्स बी आ जाइए बेटा। हिमांग, दिनेश कुमार, हिमांग इज देयर? सिक्स बी, यस, टेल मी। माइक उठाओ बेटा, माइक कहाँ है? बोलो जरा, आपकी आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो जरा। यस हाँ, अब बताओ। हाँ जी, बताइए क्या आंसर आएगा इसका? सेंटीमीटर हम देखें जरा, पहले बताओ फाइनल इनिशियल रीडिंग क्या है और फाइनल रीडिंग क्या है बेटा? इनिशियल में स्टार्ट रीडिंग क्या है? स्टार्ट रीडिंग क्या है बेटा? जीरो जीरो है, वेरी गुड। स्टार्ट रीडिंग है जीरो, एंड फाइनल रीडिंग क्या है बेटा? तो फाइनल माइनस स्टार्ट रीडिंग, 4 माइनस 0 इज 4 सेंटीमीटर। इज इट ओके? वैसे तो जो जीरो से शुरू होती है वो आपको पता ही चल रहा है। वेरी गुड, बैठो बेटा। नेक्स्ट, चलिए देखिए आगे फटाफट से, क्विक। एवरीबडी डू दिस। सिक्स ए में से पुनीत ने बताना है बेटा मुझे। सिक्स ए पुनीत, हाँ जी, किया बेटा? कर लो पहले, अगर नहीं किया तो कर लो, और अगर कर लिया है तो मुझे बताओ। कोई बात नहीं, करके आ जाओ, पहले करो इसको सॉल्व और फिर मुझे बताओ। कोई ज्यादा तो है नहीं मुश्किल, फटाफट से फाइनल बताओ, स्टार्ट बताओ, माइनस करो, लेंथ आ गई।
पुनीत हो गया बेटा, अगर हो गया तो आ जाओ। वेरी गुड। विच इज द फाइनल रीडिंग, पहले ये बताओ। हाँ जी बोलिए बेटा, फिर से। हाँ फाइनल क्या है? फाइनल मीन्स जो बाद वाली होती है, सिक्स। और जो स्टार्ट है वो क्या है? स्टार्ट इज वन। तो लेंथ ऑफ द पेंसिल इज फाइनल माइनस स्टार्ट रीडिंग कितना है? आप जोर से, आगे भी बताओ। सेंटीमीटर मिलीमीटर मीटर क्या है? सेंटीमीटर। आपको दिख रहा है यहाँ पे। सो लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 5 सेंटीमीटर। चलिए अगर स्केल्स है तो अपने अपने पेंसिल का करो, जरा जल्दी पेंसिल या पेन साइज दो। और शुरू किससे करना है आपने? शुरू 3 से करना है। शुरू 3 से करो स्केल, क्योंकि हमारे पास टूटा हुआ स्केल है। 3 से शुरू करो, जिस जिस के पास है। एवरीबॉडी मेजर योर पेंसिल जल्दी से, टीचर्स चेक करें भरत ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं। अपनी पेंसिल मेजर करो जल्दी से, क्विक। बातें बिल्कुल भी नहीं, बातें बिल्कुल भी नहीं। अब मैं किससे पूछ रही हूँ जरा हम देखें। सिक्स बी में बेटा शांत बताएगा मुझे अपनी पेंसिल का साइज। 6 टी कुणाल बताएगा। 6 बी प्रशांत एंड 6 सी कुणाल, अपने अपने पेंसिल का मेजर करो। यस प्रशांत मुझे बता रहा है बेटा। यस बताओ भी आपकी पेंसिल की इनिशियल तो मैंने बता दी थी आपको, स्टार्ट हमने करना है वन से। बेटा फाइनल रीडिंग क्या रही थी? सॉरी स्टार्ट हमने करना था 3 से, आई एम सॉरी, 6 सेंटीमीटर से। फाइनल क्या आई थी बेटा? 6 सेंटीमीटर। कितनी? 6। यस। अभी मैम को चेक कराओ जरा, मैम जरा इसकी चेक कराओ पेंसिल साइज नहीं है, देखो जरा। 3 से शुरू करना है। शुरू हो रही है अभी। मैम ठीक बता रही है? स्टार्टिंग फ्रॉम 3। यस मैम। ओके वेरी गुड प्रशांत, आपने बताया 6 सेंटीमीटर। टेल मी द साइज ऑफ योर पेंसिल, कितना आया बेटा प्रशांत? यस जोर से बोलना बेटा। 1 सेंटीमीटर। कितना? 1 सेंटीमीटर। वन? कैसे वन आया? हमने क्या, इधर देखो सिर्फ ये बताएगा प्रशांत क्या बताया हमने? हमने क्या बताया था? फाइनल माइनस स्टार्ट। फाइनल कितनी है बेटा? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर थी। ओके 5 सेंटीमीटर और स्टार्ट क्या थी? 3 सेंटीमीटर। यस और नो? कितना है 5 माइनस 3 कितना होता है बेटा? 2 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द साइज ऑफ योर पेंसिल? 2 सेंटीमीटर। ओके 6 सी में से एक स्टूडेंट को मैंने बुलाया था, कुणाल। कुणाल कम टेल मी द साइज ऑफ योर पेंसिल। जल्दी से बताइए बेटा। इनिशियल तो मैंने आपको बताई थी, क्या थी इनिशियल? स्टार्ट पॉइंट क्या था?
हाँ जी जल्दी से बताइए, स्टार्ट पॉइंट क्या था हमारा? थ्री था हमारा, वेरी गुड, स्टार्ट पॉइंट था हमारा थ्री, 3 सेंटीमीटर। आप बताइए फाइनल पॉइंट क्या था बेटा आपका, एंड पॉइंट क्या था आपकी पेंसिल का? सिक्स। Somebody, some student check here his pencil. क्या सिक्स ही है? मैम को चेक कराओ। पेंसिल का साइज कोई बच्चा चेक करे, मैम को चेक कराओ। बातें नहीं, बातें नहीं। कुणाल जल्दी से, हाँ कितना आया बेटा? कितना साइज कितना आया, क्या फाइनल रेटिंग क्या है? 3 से शुरू करना है। 1 7। ओके चलिए, हम कह रहे हैं 1 7। अब बताइए साइज ऑफ योर पेंसिल क्या आया है बेटा? 17 माइनस 14, कितना आया? 14, इट इज 14 सेंटीमीटर। यस और नो? एवरीबॉडी क्लियर? वेरी गुड। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आना है, इसलिए क्लैरिटी होनी चाहिए, 0 से नहीं शुरू होगा। ओके चलिए, वेरी गुड। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिया ही हुआ है, कैन यू सी इट? वन एंड ऑफ द पेंसिल रीड्स 5 सेंटीमीटर। एक का स्टार्ट है आपका 5 सेंटीमीटर और एंड है, और यू कैन से फाइनल है 14.2 सेंटीमीटर। फाइंड आउट साइज ऑफ द पेंसिल जल्दी से। आपने थोड़ी कैलकुलेशंस डेसिमल वाली क्लास 5th में करके आए हो, हाउ कैन यू सब्ट्रैक्ट इट? क्विकली डू। एंड 6th डी में तेजवीर ने बताना है, 6th डी तेजवीर। फर्स्ट तेजवीर विल चल। हाँ जी, किसमें से क्या माइनस करें, प्लस करें, क्या करें? माइनस किसमें से करेंगे बेटा? पूरा लिखना है फाइनल, फाइनल स्टार्ट। फाइनल कितनी है बेटा? 14.2 माइनस 5। बताइए क्या आया बेटा, आंसर क्या आएगा? डू यू नो हाउ टू सॉल्व डेसिमल थोड़ा बहुत? यस और नो? देखो दिस इज डेसिमल्स, ऑल्दो आपने ये चैप्टर करना है बट आप फिफ्थ में थोड़ा करके आए हैं, तो इसलिए प्लस माइनस तो पता ही होता है। 14.2 और 5 इसके नीचे 0.02 है ना, तो कितना आ गया 0.2 और ये कितना आ गया 9.9, इट इज 9.2 सेंटीमीटर। आंसर इज दिस।
एवरीबॉडी डन? यस यस करे यस. चलिए वेरी गुड. नेक्स्ट हम आ जाते हैं. सो आई थिंक टाइम इज ओवर. ठीक है, सो वी विल डिस्कस द सेम थिंग. अपने असाइनमेंट आज घर जाके खोलनी है, रिलेटेड क्वेश्चंस करके आनी है. इज इट ओके? ओके बेटा, बाय बाय, सी यू टुमारो. समझ के आना है. देखो कि अगर आपको ये क्वेश्चंस आ गए, डेसिमल्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सोचो 3 मार्क्स आपके आ गए, है कुछ भी नहीं है. ओके ठीक है. ओके बेटा, बाय बाय. Bye, ma'am.